चैप्टर कौन सा हो जाएगा? हम लोग चैप्टर है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज है वन और सेमेस्टर सेमेस्टर थ्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर एंड फॉर फीचर, इशू एंड फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन। ठीक है, इसमें सारा हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपको पढ़ते हैं। इसमें अच्छा, ये जो हम लोग का सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है जानना। दिख रहा है ना यहाँ तक आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं जो सब्जेक्ट है हम लोग का, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे सब्जेक्ट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट अकाउंट। ठीक है, चलिए इसमें सब लोग इशू ऑफ शेयर में पहला टॉपिक होगा इशू ऑफ शेयर एट पार। शेयर को कितने रेट से शेयर इशू किया जाता है? तीन तरह से, पहला था एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम और तीसरा है एट डिस्काउंट। तो एट डिस्काउंट तो हम लोग को पढ़ने नहीं है, 2013 से क्या हो गया, एट डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करना है, वो खत्म हो गया। तो दो ही पढ़ना है, एट पार और एट प्रीमियम पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चलो हेडिंग देते हैं शेयर इशू एट पार। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, अभी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, करें श्री गणेश कंपनी लिमिटेड इशूड एट पार 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच, पेबल 2 rupees ऑन एप्लीकेशन, 3 rupees ऑन अलॉटमेंट, 3 rupees ऑन फर्स्ट कॉल और बाकी हो जाएगा बैलेंस कॉल यानी फाइनल कॉल पर हो जाएगा। ऑल द शेयर वेयर फुली सब्सक्राइब, यानी जितना भी शेयर इशू किया गया है पूरा का पूरा शेयर क्या हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है। ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। ठीक है, यानी देखो टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में पैसा रिसीव किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, तो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट में। पहला याद रखना, लिख लेना एप्लीकेशन पर कितना है, देखो मैं आगे छोटा सा लिख देते हैं, एप्लीकेशन पर कितना है 2 rupees ऑन एप्लीकेशन पर है। ठीक है, 2 rupees ऑन एप्लीकेशन पर है, 3 rupees ऑन अलॉटमेंट पर है और थर्ड है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर भी कितना है 3 rupees ऑन फर्स्ट कॉल और लास्ट में क्या बोला बैलेंस। तो बैलेंस कितना हो जाएगा, टोटल हमारा एक शेयर का नाम कितना है, शेयर इशू कितना किया जा रहा है, इशू हो रहा है शेयर 60,000 एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, एक शेयर का नाम कितना है 10 rupees, तो 10 rupees लाने में कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 7 8 यानी 2 rupees हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड कॉल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, फाइनल कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पहला एंट्री मतलब पहला प्रारंभ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो पहला एंट्री क्या बनेगा हम लोग का, बैंक अकाउंट सर, इसको किसकी बुक में बनेगा, तो कौन सा कंपनी है, तो गणेश लिमिटेड कंपनी। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेडलाइन में लिखेंगे ऊपर में, फॉर्मेट हम लोग प्रॉपर टाइप से भी बनाते हैं, तो क्या बनेगा, जर्नल जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गणेश लिमिटेड अकाउंट्स।
ठीक है, गणेश लिमिटेड सॉरी कंपनी है, ठीक है, गणेश लिमिटेड कंपनी के बन रहा है किसके बुक में, तो गणेश कंपनी के लिए बनेगा। पहला एंट्री क्या बनेगा, डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, फॉर्मेट में आप लोग बना लीजिएगा। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट्स डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट्स होगा। अमाउंट कितना सेंड हो जाएगा, 60,000 शेयर से। और ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू के रुपया एप्लीकेशन का 2 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 6×12 120,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा। अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा, 1,20,000 ट्रांसफर होगा, ठीक है। चलिए थर्ड एंट्री इसको हटा देते हैं, थर्ड एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट का शेयर। अगर तो दूसरा पहला एंट्री बनेगा तब पहला बनेगा, ठीक है, ड्यू का बनेगा तब फिर रिसीव का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन बी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट कितना हो जाएगा, 60,000 इंटू कितना रुपया है, 3 रुपया, तो 6×3 18 यानी 1,80,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट्स, और यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव कितना, 1,00,000 1,80,000, ठीक है। फाइव नंबर एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स, और नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पे देखिए यहाँ पे कितना के रुपया है, 3 रुपया है, तो इंटू कर देंगे 2 रुपया है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 1,80,000 1,80,000। सिक्स नंबर एंट्री
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ऑनरेशन ड्रीम शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव कितना है 1,80,000 हो गया। अब सेवन नंबर एंट्री क्या होगा सेवन में शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू कर लो कहीं पे यहाँ पे कर देते हैं 60,000 इंटू 2 रुपीज है ना 2 तो 6 × 12 120,000 और लास्ट एंट्री बन जाएगा बैंक का बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर सेकेंड कॉल फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं और नरेशन क्या होगा बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव और कितना 1,20,000 ये फाइनल एंट्री हो गया ठीक है। चलो बनो नहीं तो जो ऑनलाइन मतलब देख रहे हैं उनके लिए संदेश ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बुक्स कौन सा है जिसे क्वेश्चन खासतौर पर मिलाएंगे तो मिलेगा ही नहीं ठीक है। तो बुक्स जो हम लोग का है यहाँ पे SBPD साइज बोर्ड पब्लिकेशन का है बुक्स ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वहां से अब जाएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम बता दिए ठीक है और सीरियल से ये क्वेश्चन मिलेगा ठीक है। ये वीडियो जो लोग बना रहे हैं सीरियल से क्वेश्चन नंबर 1-2 मिलेगा जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे देखेंगे तो अच्छा तरीका से क्या होगा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। और क्या देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कह रहा है कि एक कंपनी है जो इनवाइट करता है एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर ठीक है 1000 शेयर है और 6% प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर कितना है 6% प्रेफरेंस शेयर है और एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपया दाम है। इच पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 20% है ऑन अलॉटमेंट 30% है और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना है 50 रुपीज है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे ये क्वेश्चन आपको खुद से बनानी है हम क्वेश्चन लिख देते हैं और क्या परसेंटेज का ये मतलब है ये हम खाली बता देते हैं ठीक है कोई दिक्कत सभी को इसी तरीके से बनानी है क्यों क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा है आप भी इसमें बनाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा और समझ में भी आएगा। देखो क्वेश्चन लिख देते हैं और बाकी नहीं बनेगा तो फिर वो आप पूछना क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू में है कि इशूड 6% प्रेफरेंस शेयर 6% प्रेफरेंस शेयर है और कितना है 1000 और एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपया क्वेश्चन लिख लेंगे क्वेश्चन ये लिख लेनी है क्वेश्चन नंबर 2 है ठीक है इशूड है 6% प्रेफरेंस शेयर है और एक 1000 शेयर है और एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपया दाम है। एप्लीकेशन पर है 20% है एप्लीकेशन पर कितना है 20% है और अलॉटमेंट पर
30% ऑन अलॉटमेंट और लास्ट में 50% ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स। ठीक है, तो देखिए नरेशन में हम एक बार बता चुके हैं, नरेशन में आपको सेम तरीका से सभी एंट्री में बनानी है सभी क्वेश्चन में। देखिए टोटल यहाँ पे 100 रुपया होता है ना। देखिए अभी 20% है, ये 20% का मतलब ये आपके यहाँ पे कितना है 20 रुपया है। ठीक है कैसे चल रुको, एक शेयर का दाम कितना है, एक शेयर का दाम कितना है 100 रुपया और उसका कितना सिर्फ दिया जा रहा है 100 रुपए का कितना दिया जा रहा है 20% दिया जा रहा है। तो 20% भी आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 0 1 0 2 0 यहाँ पे कैंसिल हुआ कितना हो जाएगा 20 रुपीज। ठीक है यानी कितना ये बन गया 20 रुपया। 100 रुपए का 30% निकालेंगे तो भी कितना आएगा 30 रुपया आएगा और 100 रुपए का फिर हम लोग 50% निकालेंगे तो 50 रुपया आएगा। ठीक है तो टोटल यहाँ पे 100 रुपया आ गया। अब एंट्री कैसे बनानी है सो देखिए हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कैसे बनेगा। प्रेफरेंस शेयर है तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, हम लोग सेकेंड ईयर में भी ऐसा पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो अगर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखनी है 6% प्रेफरेंस शेयर, बस 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन है। अब बाकी जहां जहां पे हमको शेयर का यूज किए हैं वहां वहां पे क्या यूज करना है प्रेफरेंस शेयर यूज करना है, बाकी सारा एंट्री सेम होगा। ठीक है अब लास्ट एंट्री खाली चेंज आप देखेंगे क्या फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का एक ही में बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या बनाए थे, फर्स्ट कॉल का अलग बनाए थे सेकेंड कॉल का भी अलग बना था, लेकिन अगर क्या होगा फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का एक ही में ले लिया जा रहा है एंट्री भी क्या बनेगा एक ही बनेगा फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का एक ही साथ में। ठीक है एक ड्यू का बनेगा और सेकेंड रिसीव का बनेगा। ठीक है बनानी है डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ओके चलिए।